root 3 by 2। ठीक है, ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए आपको। राइट डाउन ए मैन ऑन द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई बिल्डिंग। क्वेश्चन लिखना नहीं है, फिगर बनाओ। ए मैन ऑन द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई बिल्डिंग ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू पॉइंट्स ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग एज 30 एंड 60। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग एज 30 एंड 60। If one point is directly behind the other, इसका क्या मीनिंग है? हाँ जी, मतलब एक ही लाइन पे है, एक ही प्लेन सरफेस पे है। Find the distance between the two points. Find the distance between the two points. यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा? जैसे यहाँ कौन सा एंगल आएगा? 30। और यहाँ कौन सा आएगा? 60। ठीक है, ये क्लियर है? ये जरूरी देखना है आपने। The smaller angle है that you will draw at more distance as comparison to this. इसकी height कितनी है? 60 meter है building की height. What you have to find? कहाँ से find क्या करना है इस question में? Distance between the two points. कौन से दो points? A और B. ये दो points हैं जिनसे angle बन रही है। ये तो building A का foot है। इसके यहाँ ये तो दो points हैं ना जहाँ से angle of depression बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जरूर बनाना है यहाँ पे 30 और ये। अगर क्वेश्चन डिप्रेशन का है और आप डिप्रेशन वाली वो लाइन नहीं बनाते तो एटलीस्ट 1 मार्क डिडक्ट होगा, क्योंकि बार डिप्रेशन की कर रहे हैं तो वो बनाना जरूरी है। ठीक है, दो एंगल फॉर्म ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल है बोलो अरमान, किसमें लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री? जो राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस स्मॉलर ट्रायंगल एंड दिस लार्ज ट्रायंगल। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? एसी कितना आ रहा है? बीसी हाँ 40√3। टोटल डिस्टेंस आ रहा है, बस बस बस, टोटल डिस्टेंस इज 60√3। ये डिस्टेंस आ रहा है 20√3। 60√3 माइनस 20√3 ये आ जाएगा 40√3। ठीक है, आ रहा है 40√3 सबका? करो कंप्लीट, जिनका नहीं हुआ ये कंप्लीट कर ले। Done. लिखो नेक्स्ट। ए फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ 12 मीटर हाई टॉवर। एक टॉवर है, उसके ऊपर फ्लैग है। ए फ्लैग स्टाफ स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ 12 मीटर हाई टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ। जो फ्लैग स्टाफ है ना, जो टॉवर के ऊपर है, ये टॉवर है, ये फ्लैग स्टाफ है। कहते हैं यहां पॉइंट से इस फ्लैग स्टाफ के टॉप का
और इस फ्लैग स्टाफ के बॉटम का जो एंगल है, पहले टॉप बोला है तो पहले टॉप वाला एंगल होगा फिर बॉटम वाला. टॉप मतलब ये वाला एंगल, बॉटम मतलब ये वाला एंगल. ठीक है, तो पहले टॉप बोला है उसका एंगल है 45 और 30. ये आपकी ये जो लाइंस है ये वेरी क्यों कर रही है? एक पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए. दोबारा बनाओ फिगर, ऐसे बननी चाहिए फिगर. ये बड़ा बनाओ ना, आपने बहुत छोटा बनाया इसलिए हो रहा है ये. फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप. नहीं बस यही गिवन है, ये 45 है पहले वाला एंगल, ये 30 है, इसकी हाइट 12 है. ये फाइंड करना है, टेक इट एज एच. पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे फिर बड़े वाला. इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है? ये जो ट्रायंगल है इसमें नहीं लग सकती. छोटा ट्रायंगल, देन वी विल कंसीडर बिगर ट्रायंगल. एक मिनट, √3 - 1. ट्रायंगल बीसीडी में अप्लाई करोगे पहले आप. देन ट्रायंगल एडीसी 10 45 is equal to h plus 12 upon x and value of x is 12√3. This is h plus 12, this is 1. Cross multiply कर लो. Take 12 common, √3 - 1. So h आ गया आपके पास. 12√3 - 1 is the height of the flag stack. टोटल हाइट पूछे तो टोटल हाइट कितनी आएगी अगर इस पूरे एसी की हाइट पूछे आपसे तो? हाँ क्या आएगा? इजी है, देखो क्या आएगा. हाँ जी, 12√3. ये कितना आ रहा है? 12√3 - 1. ये कितना है? प्लस 12. इसको मल्टीप्लाई कर लो. 12√3 - 12 + 12. आंसर इज 12√3. ठीक है, क्या पूछ रहे, क्या हुआ? अपने बीडी क्यों लिखा है? अच्छा, आपकी फिगर के अकॉर्डिंग. क्या नहीं, क्या हुआ, क्या नहीं समझ आया? हो गया, चलो ठीक है, अगला लिखो फिर. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स बोला है, एंगल्स तो दो एंगल्स हैं यहाँ पे. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द टू पॉइंट्स
एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड 13.5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड 13.5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर एंड इन द स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री. क्या मीनिंग है इसका? कहता एक टॉवर है, ये देखो एक टॉवर है, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दो पॉइंट्स का, एक पॉइंट इसके फुट से 6 के गैप पे है और दूसरा पॉइंट 13.5 के गैप पे है. तो समझ आई? ये वाला डिस्टेंस 6 है और जो दूसरा पॉइंट है उसका डिस्टेंस 13.5 है फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर. कहते हैं इन दोनों पॉइंट से जो एंगल बन रही है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम क्या है? 90. कॉम्प्लीमेंट्री मीन दोनों का सम क्या है? अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये नहीं दिया हुआ उसमें, ऐसे दिया हुआ है. ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है. हाँ जी, थीटा, हाँ जी, एंगल ऑफ एलिवेशन है और उसके बाद आपने यहाँ पे फाइंड करना है, एक मिनट, हाइट ऑफ द टॉवर. इस टॉवर की हाइट फाइंड करनी है h. ठीक है, थीटा सॉल्व हो जाएगा. पहले छोटे ट्रायंगल में अप्लाई करो, देन फिर कंसीडर बिगर ट्रायंगल. हाँ हाँ, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो लगाओ साथ में. 90 माइनस थीटा किसका ले रहे हो? टेन कॉट किसका लगाओ? जिसके रेशियो लगाए बिना तो लिख नहीं सकते ना, उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है. क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? बेस को प्लस थोड़ी करना है. पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो ना, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 6. tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा. तो cot थीटा आ गया h by 6. लीव इट, गिव इट नंबर वन. देन कंसीडर बिगर ट्रायंगल, यू विल टेक tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन, बड़े ट्रायंगल की बात कर रही हैं, h अपॉन 13.5. तो वहां से tan थीटा आ जाएगा. एक से cot आ गया, एक से tan आ गया. मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन, क्योंकि tan और cot क्या है? दूसरे का रेसिप्रोकल, कटिंग हो जाएगी. वेट करो, अभी चेक करते हैं. ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड. दोनों को मल्टीप्लाई करो, टैन को कॉट के साथ मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट साइड पे एंड ऑन द राइट आल्सो. ये कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल है ना, वन आ जाएगा. वन इज इक्वल टू एच स्क्वायर 6 इंटू 13.5. मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, क्या आ रहा है? 81.0. तो 81 ही हो गया, इधर चला जाएगा ना 81. तो h कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 9. h कितना आ जाएगा? हाइट. तो नेगेटिव विल बी रिजेक्टेड, हाइट कांट बी नेगेटिव. सो हाइट ऑफ द टॉवर विल बी 9 मीटर. इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, बुक में गिवन है, मार्क कर लो इसे. यस, लिसन, ऑन दिस थर्सडे यू हैव क्विज, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इंटरनल असेसमेंट एक्टिविटी. 4:00 लिंक आएगा. मैं ट्राई करूंगी कि लिंक
थोड़ी ज्यादा जितना मैक्सिमम टाइम हो सके उतनी देर तक ओपन रहे, और वो सबने अटेम्प्ट करनी है। जो नहीं अटेम्प्ट करेगा उसका इंटरनल असेसमेंट में 0 नंबर जाएगा, याद रखना, क्योंकि दोबारा नहीं होनी, एक ही बार होनी है। मैं दोबारा दोबारा थोड़ी क्रिएट करती रहूंगी इसको। तो थर्सडे को है 4 o'clock, ठीक है। टाइम मैं कोशिश करूंगी 2.5 आवर तक ओपन रहे। जब आप फ्री होते हो, 10 मिनट का काम है, सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 questions होंगे, बस वर्बली एक बार रीड करके कंसेप्ट बेस्ड है वो क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो सबने उस टाइम पे अटेम्प्ट करनी है, लेट वाला अटेम्प्ट नहीं चलना, उसी टाइम के अंदर कर देना बस। ना मुझे कॉल करना कि हमारी रह गई है या कुछ है, उसके बाद कुछ नहीं होना, 0 ही जाएगा उसके बाद, ठीक है। क्योंकि जो आप मार्क्स मुझे सेंड करोगे, मैंने उसके स्क्रीनशॉट वो रखने हैं अपने पास सेव करके, और वो हमने सारा कुछ जो आपका डाटा है ना वो सारा हमने सेव किया हुआ है यहाँ पर, कि बाद में कोई भी चीज डिमांड कर सकते हैं बाद में वो, ठीक है। तो जितनी भी आपकी आंसर शीट्स है, सब कुछ है, हमने सब कुछ सेव किया हुआ है, हमारे पास सारा मटेरियल है आपका। मैंने अपने फोन से भी डिलीट नहीं किया हुआ, आपकी कॉपीज तक भी मेरे पास सेव है। तो जो आप भेजोगे वो सब कुछ सेव हमारे पास रहेगा, उसी के बेस पे मार्क्स लगने हैं। जिन्होंने नहीं भेजी है उनका 0 ही है, याद रखना, ठीक है। तो कॉपीज भी जरूरी है, वो भी इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है। आपको पता है 5 मार्क्स उसके ही है और 5 नंबर इसके हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका जो भी 20 या 30 जो भी बनेगा, एक एक चीज के मार्क्स है। जो आपने हॉलीडेज होमवर्क में मुझे वो फॉर्मुलेज वाली शीट सेंड की है, एक्टिविटीज सेंड की है, उनके भी मार्क्स है, 5 उसके मार्क्स है, ठीक है। और जो आपकी क्लास परफॉर्मेंस है 5 उसके हैं, तो टोटल देख लो 5 5 20 ये बनते हैं। तो ये सारे उसमें जाने हैं मार्क्स आपके, और पहले भी ऐसे ही गए हैं, ठीक है। वो हाफ ईयरली के थे, अब ये फाइनल के हैं, तब जाके रिजल्ट आपका कंपाइल होगा। तो आज जो आपकी एक्टिविटी थर्सडे को इस वीक में है वो कर देना। जो आप टेस्ट देते हो ना वो भी सेव है हमारे पास, हम वो भी नहीं डिलीट करते, क्योंकि हो सकता है कुछ भी डिमांड कर लें, कि वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है कि हम आपको वीकली कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे आपकी परफॉर्मेंस है, तो वो सारा कुछ भी सेव है हमारे पास। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे ही सब कुछ जाना है। ये मत सोचना हम एंड में मार्क्स ले लेंगे, हमने पूरे साल कुछ किया नहीं वो लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो सब आपने देखना है कैसे करना है। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट जरा, इसमें ये पेन देना मुझे। राइट डाउन, टू क्लाइंबर्स are at points A and B. Two climbers are at point A and B on a vertical cliff face. Vertical cliff face है, दो क्लाइंबर A और B पोजिशन पे हैं, ठीक है। To an observer, एक मिनट रुकना जरा, देखें थ्री एंगल का क्वेश्चन तो नहीं है, थ्री एंगल वाले क्वेश्चन नहीं है आपको। आप जो भी एक्स्ट्रा बुक फॉलो कर रहे हो उसमें जो थ्री एंगल्स वाले क्वेश्चन होंगे वो नहीं करनी है, ठीक है। चलो, टू एन ऑब्जर्वर सी 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ ऑन द लेवल ग्राउंड, ए इज एट द एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। ए जो है, ए ऑब्जर्वर जो वो क्लाइंबर जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 एंड बी ऑफ 60, और जो बी क्लाइंबर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60। सी की पोजीशन क्या है, सी क्लाइंबर कहां पे है? टू एन ऑब्जर्वर सी, एक मिनट सुन लो ये लाइन, पहले वाली मैं रिपीट कर रही हूं। टू एन ऑब्जर्वर सी 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, जो आपने वर्टिकल क्लिफ बनाया ना, ये जो आपने क्लिफ बनाया है यहां पर ए और बी की पोजीशन है, यहां पे सी जो है एक ऑब्जर्वर है ऑन द लेवल ग्राउंड which is at a distance of 40 meter from the foot of the cliff. ये दिया हुआ है, C है, ये A और B है, ठीक है। A का जो एंगल है वो 45 है, अब A आपने देखना है कहां पे आएगा और B, ठीक है। आगे देखो, what is the vertical distance between the two climber, दोनों क्लाइंबर A और B के बीच का जो vertical distance है वो find करना है।
ए कहाँ आएगा? नीचे आएगा, छोटा एंगल है ना। और बी, बड़ा एंगल कब बनता है? जब वो चीज पोजीशन उस पॉइंट की, या तो आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा हो। अगर आपका डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा तो पॉइंट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। पहले सपोज करो ये अलमीरा के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, फिर आप ऊपर देख रहे हैं, तो ऊपर देख रहे हैं तो एंगल बड़ा बनेगा ना, तो बड़े वाला एंगल 60 होगा, छोटे वाला एंगल 45 होगा। तो नीचे ए आएगा, ऊपर बी आएगा। तो यहाँ पे बनेगा आपका 45, यहाँ पे बनेगा 60, ये 60, ये ए आएगा, ये बी आएगा। आपने ए बी निकालना है, दो क्लाइंबर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दैट इज यू हैव टू फाइंड ए बी। ठीक है, फोर्टी रूट थ्री माइनस वन हो गया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बस बस लिख लो क्वेश्चन। From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60. From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60. दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है, एक टॉवर है। बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका? केबल टॉवर के टॉप का। दिखाना। क्या हुआ, नहीं समझ आया? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग बना ली 7 मीटर हाइट, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है केबल टॉवर के टॉप का। इसका मतलब टॉवर बड़ा है तभी उसके टॉप से उस दूसरे के टॉप पे देख रहे हैं, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, मतलब उसी पॉइंट से जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। किसके फुट का है? ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये देखो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से केबल टॉवर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का, इसी पॉइंट से केबल टॉवर के फुट का जो डिप्रेशन पे एंगल बन रहा है ये 30 है, ठीक है। ये ऐसा सेम क्वेश्चन कल भी किया था लेकिन लैंग्वेज चेंज थी थोड़ी सी। अब ये डिप्रेशन का एंगल है तो ये भी 30 होगा। ए बी सी डी ई, ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए बी सी और ए ई डी, बेस ट्रायंगल लेंगे ए ई डी और ऊपर वाले में से ए बी सी दोनों में लगाएंगे। अब ये 7 है, ये 7 है तो ये भी, ये एच, इसको एक्स ले लो, ये एक्स है तो ये भी एक्स, ठीक है। चलो करो फाइंड। क्या आ रहा है आंसर? एक मिनट, फाइंड करना है हाइट ऑफ द टॉवर। नहीं पूरा आ रहा है आंसर, रूट में नहीं आ रहा। 21 आ रहा है एच, तो 21 प्लस 7
28 H 21 आ रहा है, रूट में कैसे आ रहा है? वैल्यू गलत लगाई है। अच्छा H निकाल के उसको 27 के साथ प्लस करना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ हाइट डिस्टेंस का, डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन, आप ट्राई करो, नहीं तो फिर हम डिस्कस करेंगे। राइट डाउन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड The angle of elevation becomes 30. पहले 60 था ना एंगल, अब चेंज होके 30 हो गया। अब इसका मतलब एरोप्लेन जो है कहाँ गया है वो जो, हाँ ठीक है, लेकिन फिगर ऐसी नहीं बननी, आपने तो एरोप्लेन की एक ही पोजीशन बनाई है, इसका मतलब तो ये, हाँ बिल्कुल। देखो इधर, ये देखो पहले ना एरोप्लेन यहाँ पर है और इसका एंगल जो बन रहा है वो 60 बन रहा है। अब 30 सेकंड्स तक एरोप्लेन चल रहा है तो पोजीशन सेम थोड़ी रहेगी, चेंज तो होगी ना, कहाँ जाएगा एरोप्लेन? ठीक है, आपने एंगल चेंज करना है, उसका एंगल चेंज करना है, तो यहाँ आ गया एरोप्लेन, तो इसका जो एंगल है वो चेंज होके क्या हो गया 30। ठीक है, मतलब ये और ये सेम होगी हाइट ऑफ द एरोप्लेन, ये एच है तो ये भी एच, एंगल चेंज हो गया। ठीक है, एक मिनट, If the aeroplane is flying at a height of constant height of, constant मतलब same height, 3000 root 3, height of the aeroplane is, क्या हुआ? ये height दी हुई है 3000 root 3, find the speed of the aeroplane, speed निकालनी है, height मतलब distance दिया हुआ है, time दिया हुआ है, आपने फाइंड करनी है स्पीड, चुप कर जा काम करो, 30 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, करो फाइंड। अब आपने एक चीज नोट करी है, इसमें एक प्रॉब्लम है क्या, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सेम पॉइंट से बन रहा है, हमने दो पॉइंट बनाए हैं, हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन तो सेम पॉइंट पे है ना, वहां लिखा नहीं हुआ, ये देखो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट, ए पॉइंट, ठीक है, तो ए की पॉइंट से आपने बनाना है इस तरह से, ये पॉइंट है एस, ठीक है, ये वाला एंगल कितना था पहले 60 और ये कितना है 30, ठीक है, दो ट्रायंगल है, बड़े वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल दोनों। अब मुझे एक बात बताओ, उसने ये तो उसकी हाइट हो गई, टाइम आपको गिवन है, अब आपने फाइंड कैसे करना है ये, हाँ मतलब कि ये जो 30 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया है ना ये निकालना है, 30 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर किया ना ये कहां से आएगा, जब आप टोटल में से
ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो 30 सेकंड में कवर किए, ये निकालना है आपको, ये निकालो। क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान देना, एंगल्स लिखा है तो दो एंगल होंगे, ए पॉइंट लिखा है तो एक पॉइंट होगा, बहुत ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को। अगर आपको एक पॉइंट और दो पॉइंट की कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन को रीड कर लेना, वहां लिखा होगा ए पॉइंट है कि ज्यादा है। आंसर है 720 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करना है ये क्वेश्चन आपने खुद, चाहे जितनी मर्जी बार गलत हो जाए, आज ट्राई करके इसका आंसर यही फाइंड करना है आपने, 720 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन एक आपने कर लिया ना, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 6000। हाँ पहले बड़े वाले ट्रायंगल से बेस निकालो, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का बेस निकालो, दोनों को माइनस करके 6000। हाँ बड़े ट्रायंगल का एक से आया 9000 और एक से आया 3000, दोनों को माइनस करके आया 6000। तो ये आ गया डिस्टेंस, टाइम दे रखा है दोनों को डिवाइड करके 720 किलोमीटर पर आवर में। स्टैंडर्ड यूनिट में फाइंड करोगे ना आप,